नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बुक रिव्यू लेकर आई हूँ जिसके राइटर हैं मिसाइल मैन। मिसाइल मैन शब्द से शायद हर एक बच्चा परिचित होगा, क्योंकि मिसाइल मैन शब्द ही अपने आप में एक परिचय है। हाँ, इस बुक का नाम है टर्निंग पॉइंट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें किसी परिचय की तो ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी उनके श्रद्धांजलि स्वरूप हम उनका थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। इनका जन्म 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था और ये DRDO इसरो जैसे महान संस्थानों में कार्य कर चुके हैं। अग्नि और पृथ्वी जैसे महान मिसाइलों के परीक्षण में अपना योगदान दे चुके हैं। IIT IIM BHC जैसे संस्थानों में शिक्षक के रूप में सेवा दे चुके हैं। इन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे महान पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इनके कुछ पुस्तक हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कि इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड, टर्निंग पॉइंट और विंग्स ऑफ फायर। और इनकी मृत्यु जुलाई 2015 को हो गई थी। इस बुक में उन्होंने उन सारे क्षेत्र का वर्णन किया है जो एक भारत को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट कर सके। जैसे कि इसमें कुछ फील्ड उन्होंने मेंशन करे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ई गवर्नेंस, ई नेटवर्किंग, ई जुडिशरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, माल न्यूट्रिशन रिडक्शन और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड का समावेशन इसमें उन्होंने किया है जो अभी भी इंडिया के लिए एक चिंतनीय विषय है। वो अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत से ऐसे जगहों को, ऐसे व्यक्तित्व को और ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने उनके लाइफ में बहुत गहरा इम्पैक्ट किया। शायद वो टर्निंग पॉइंट भी साबित हुए उनकी लाइफ में। तो उन्होंने इनका वर्णन भी और चर्चा भी बहुत करी है, जैसे रिलीफ कैंप में बच्चों से मिलना, सियाचिन ग्लेशियर में जाकर जो सैनिक हमारे लिए वहाँ पर लड़ते हैं उनसे मिलना, और भी बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जैसे कि नानाजी देशमुख, नेल्सन मंडेला जी और आचार्य महाप्रज्ञा जी, और भी ऐसे बहुत सारे शख्सियत से मिले उन्होंने और बहुत सारे लोगों से मिला जिनका वर्णन उन्होंने इस बुक में करा है, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और जो हमको बहुत ही इंस्पायर करता है। मैं इस बुक को पढ़ने के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगी आप सबको कि प्लीज़ आप एक बार ये बुक पढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी जो पर्सनालिटी होते हैं वो उनका सोचने का तरीका, समझने का तरीका, एक्सप्लेन करने का, हमको सिखाने का, वो अलग ही होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये बुक। और रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज बहुत सिंपल है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ साइंटिफिक और टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी डाली गई हैं इसमें, कुछ मतलब ऐसे टर्म्स हैं जो आपको परेशान थोड़े से कर सकते हैं। पर अगर आप बहुत दिनों से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे या साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको इजीली हर चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें की कुछ टर्म्स मेंशन किए हुए हैं जैसे कि इसरो, DRDO, ICAR, CSIR, DRI। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस या साइंस के स्टूडेंट होंगे या कुछ दिनों से अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आप इन टर्म्स से एकदम वाकिफ़ होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। और ये 176 पेजेस का बुक है जो ज़्यादा मोटा नहीं है, पतला है, आप इजीली ख़त्म कर सकते हैं। और ये 14 चैप्टर में डिवाइडेड है। इस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक चैप्टर जो स्टार्ट होता है वह एक कोट के साथ स्टार्ट होता है और उसके बाद जब उसका एंडिंग होता है तो एक छोटा सा सार, दो या चार लाइनों का, वो इसमें मेंशन कर दिया गया है, तो वो हमको समझने में बहुत ईजी होता है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप जिस भी लैंग्वेज में कम्फर्ट है उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।